जनपद मुजफ्फरनगर वक्फ बोर्ड संपत्ति को लेकर सरकार द्वारा लाए गए बिल का जहां विपक्ष जमकर विरोध करते हुए नजर आ रहे, वहीं मुस्लिम धर्म गुरु इस बिल का खुलकर विरोध कर रहे। आज लखनऊ से मुजफ्फरनगर पहुंचे सिया धर्म गुरु मौलाना कलवे मलवार ने वक्फ के विरोध में जहां पर तहरीक चलाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार की बड़ी साजिश है। इसमें सिर्फ बिहार के मुसलमान खड़े हों और तेलंगाना के मुसलमान खड़े हों, वो जाके अपनी हुकूमत पर जोर दें, नायडू की हुकूमत पर, नीतीश जी की हुकूमत जोर दें कि अगर आपने इसे सपोर्ट किया तो हम आपको बाय करते हैं, क्योंकि ये हुकूमत से हमको उम्मीद नहीं है। ये हुकूमत जो है हम कुछ करेंगे, जो उनके लाइफ है, उनके साथ पूरे थे, जिनके जरिए हुकूमत चल रहे हैं, जिनकी बुनियाद, जिनके सहारे हो हुकूमत चल रहे हैं, उनको अपना स्टैंड लेना होगा। टोटल भी वापस टोटल लाइब्रेरी से भी बात हम करेंगे और डीजी से बात होगी, टोटल भी वापस ना होगा, वरना फिर मुसलमानों की दवाई बरबारी जिम्मेदार आपको। तो क्या जनाब, आप इस कमेटी की भी मुखालफत करेंगे? आप इसकी कमेटी के रस्मे से देखना होगा, आपको नाम नहीं मालूम है, लेकिन फिर नाम है लेकिन अगर मेजॉरिटी नहीं की हुई तो वही नहीं होता है। आगे मेजॉरिटी बीजेपी अपने हाथ में होती है, अपने हाथ में मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का फर्क होगा। फिर 15 आदमी अगर कहने का अपने सही लोग 5 महीने के गलत है तो 15 ही बनिए 5 महीने वो भी खेल किया गया है। आप किस तरह से लड़ाई को लड़ेंगे आगे? इस लड़ाई को किस तरह लड़ेंगे आप सरकार के खिलाफ? नहीं, हम उसमें जो है लड़ाई मुसलमान में जागरूकता और हिंदू भाइयों की, जो हो सकता है बाद में मजदूरों के ऊपर रह जाए कि आप मजदूरों की प्रॉपर्टी रूम नंबर भी ले लेंगे, रूम नंबर भी ले लेंगे, क्योंकि लोग जिसको सारी है वो किया जा रहा है, जिसको फीला कहते हैं। तमाम बातें वो की गई है जो किसी भी तरीके से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके हैं किसी भी जमीन की मिलकत साबित करने के, उनके बरक्स जागेंगे। इसमें से एक बात के ऊपर रोशन डालूंगा, बाकी खिलाफ डालेंगे। इसमें सबसे मेन बात यह की गई है कि किसी भी वक्त को वक्त भी लाने के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जो कराना है उसमें शर्त यह है कि वक्फ की जमीन का रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसी का होगा जिसकी वक्फ डीड होगी। वक्फ डीड कहां से आई? पहली बार वक्फ एक्ट 1923 के अंदर जो आया